नमस्कार, हलचल में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं अपने शहर और आसपास की हलचल पर। लुटेरों को काबू करने गई थाना कच्चा पक्का की पुलिस पर लुटेरों ने चलाई गोलियां, जवाबी कार्रवाई में एक लुटेरा हुआ घायल। अमृतसर में एक लड़की और उसके दादा पर तीन युवकों ने तेजधार हथियारों से किया हमला, पुलिस ने मुख्य आरोपी को किया गिरफ्तार। तलवाड़ा के डैम रोड पर सड़क किनारे खड़े दो वाहन सवारों को तेज रफ्तार कार ने मारी टक्कर, दो नौजवान हुए गंभीर घायल। अरब हलचल विस्तार से। लुटेरों को काबू करने गई थाना कच्चा पक्का की पुलिस पर लुटेरों द्वारा गोली चलाने का मामला सामने आया है, जिसके बाद पुलिस की ओर से जवाबी कार्रवाई की गई, जिसमें एक व्यक्ति घायल हो गया, जिसे पुलिस ने इलाज हेतु सिविल अस्पताल में भर्ती करवाया है। मिली जानकारी के मुताबिक सुबह 10 बजे के करीब लुटेरों द्वारा मोटरसाइकिल पर सवार होकर जा रहे पति पत्नी को घेरकर उनके बच्चे के सिर पर पिस्तौल तानकर महिला के कानों की बालियां उतार ली गई, जिसके बाद मौके पर पहुंची पीसीआर टीम की ओर से उक्त घटना संबंधी पीड़ितों से बातचीत कर जानकारी हासिल की गई, जिसके बाद पुलिस टीम ने तुरंत कार्रवाई करते हुए लुटेरों का पीछा शुरू कर दिया। इस दौरान लुटेरों द्वारा गांव के नज़दीक पुलिस पर फायरिंग की गई, जिस पर जवाबी कार्रवाई करते हुए पुलिस ने सेल्फ डिफेंस में फायरिंग की, जिसमें एक व्यक्ति गोली लगने के कारण घायल हो गया और सड़क पर गिर गया, जिसके बाद पुलिस ने दोनों आरोपियों को काबू कर लिया और घायल आरोपी को सिविल अस्पताल में उपचार हेतु भेज दिया। पुलिस ने पकड़े गए आरोपियों के पास से एक पिस्तौल, एक जिंदा रोंद, एक चला हुआ कारतूस और लूट की बालियां भी बरामद की हैं। तो वहीं पुलिस की इस कार्रवाई के बाद लूट का शिकार हुआ परिवार पंजाब पुलिस का आभार व्यक्त कर रहा है। भीकी विंड से हलचल के लिए भूपिंदर सिंह की रिपोर्ट। ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਹੈਗਾ ਦੇ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਗਵਾਲੀਆਂ ਦੇ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਪਿਸਟਲ ਰੱਖਿਆ ਬੱਚੇ ਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਪਿਸਟਲ ਰੱਖਿਆ? ਹਾਂਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦੇਣੀ ਫਿਰ ਲਾ ਕੇ ਡਰਦਿਆਂ ਦੇ ਦਿਓ। ਕਿੰਨੇ ਜਾਣੇ ਸੀ ਉਹ? ਦੋ ਜਾਣੇ। ਕੀ ਲੁੱਟ ਹੋਈ ਤੁਹਾਡਾ? ਦੋ ਜੋੜੇ ਵਾਲੀਆਂ ਦੇ ਲਾ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਫਿਰ ਕੀ ਆ ਜੀ? ਫਿਰ ਉਹ ਭੱਜ ਗਏ ਜੀ, ਹੁਣ ਚਿਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆ ਗਏ। ਅੱਛਾ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਮੁੱਕਦੇ ਆ ਵੀ? ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਤੇ ਇਹ ਫਿਰ ਮਗਰ ਗਏ ਸੀ, ਫਿਰ ਵਾਈ ਤੇ ਚੱਲ ਗਏ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਦਾਂ ਘੇਰੇ। ਵੀ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਏ ਪੁਲਿਸ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬਰਾਮਦ ਹੋ ਗਈਆਂ? ਹਾਂਜੀ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵਾਲਿਆਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਪੈ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਰੁਕਣ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ 'ਤੇ ਵੀ ਫਾਇਰਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਜਵਾਬੀ ਫਾਇਰਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸੈਲਫ ਡਿਫੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਫਾਇਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੋਢੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੀ ਅਤੇ ਦੋਨੋਂ ਜਣੇ ਡਿੱਗ ਪਏ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੋਹ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਬਾਲੀਆਂ ਇਹ ਬਰਾਮਦ ਕਰ ਲਈਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ 315 ਬੋਰ ਦਾ ਪਿਸਟਲ ਸਮੇਤ ਤਿੰਨ ਜਿੰਦਾ ਰੌਂਦ ਅਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਖਾਲੀ ਖੋਲ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਰਿਕਵਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਅਗਲੀ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਇੰਜਰਡ ਸੀਗਾ ਗੁਰਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ, ਇਹ ਪੱਟੀ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਦੋ ਬੰਦੇ ਫੜੇ ਗਏ, ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਗੁਰਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ। अमृतसर में एक लड़की और उसके दादा पर तेजधार हथियारों से हमला करने के मामले में थाना सदर की पुलिस द्वारा तीन लोगों पर केस दर्ज किया गया है और एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। इस अवसर पर जानकारी देते हुए एसीपी नॉर्थ वरिंदर सिंह खोसा ने बताया कि पीड़िता जसप्रीत कौर ने पुलिस को बताया है कि वह 22 वर्ष की है और पीटी का कोर्स कर रही है। रोजाना सुबह 9 बजे अपने घर से माल रोड केंद्र के लिए निकलती है। उनके दादा प्यारा सिंह उन्हें केंद्र छोड़ने के लिए जाते हैं। 29 अगस्त की सुबह 9 बजे उसके दादा उसे सेंटर छोड़कर घर आ गए। शाम को 5 बजे एक्टिवा पर सवार होकर दोनों घर वापस लौट रहे थे कि इस दौरान रतन सिंह चौक के नज़दीक सुखबीर सिंह निवासी नज़दीक काली माता मंदिर 88 फीट रोड ने अपने साथी विक्की और एक अज्ञात युवक के साथ मिलकर उनकी एक्टिवा को रोका और सुखबीर ने मोटरसाइकिल से नीचे उतरकर तेजधार हथियार से उसकी गर्दन पर वार किया।
फिर दूसरा वार करने लगा तो उसने अपने बचाव के लिए अपनी बाजू आगे की, उनके बाजू पर घाव हो गया। उनके दादा और वे दोनों एक्टिवा से नीचे गिर गए। वहीं पीड़िता ने बताया कि विक्की और तीसरे अज्ञात युवक द्वारा उनके दादा पर वार किया। जब वह जमीन पर पड़ी थी तो सुखबीर ने उस पर भी वार किए। उनकी बहन उन्हें बचाने के लिए आई तो आरोपियों ने उनकी बहन पर भी हमला कर दिया। शोर मचाने पर लोग इकट्ठा हो गए। आरोपी धमकियां देते हुए फरार हो गए। उन्होंने बताया कि तीनों आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है और मुख्य आरोपी सुखबीर सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है। ACP वरिंदर सिंह खोसा ने बताया कि जांच के दौरान पाया गया है कि जसप्रीत कौर का आरोपी सुखबीर सिंह के साथ पिछले 5 वर्ष से अफेयर चल रहा था और उसने अपने माता पिता के कहने पर अब सुखबीर सिंह को छोड़ दिया था। आरोपी उस पर शादी के लिए दबाव बना रहा था और शादी से इनकार करने पर आरोपी ने रास्ते में रोककर दादा पोती पर हमला कर दिया। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। अमृतसर कमिश्नर दे थाना मरीठा रोड विखे कल सानू जसप्रीत कौर जो कि 22 साल लड़की जो कि ग्रीनलैंड कॉलोनी की रहने वाली है उन्होंने सानू एक कंप्लेंट दिती सी कि रोजाना की तरह अपने दादा जी नाल सुबह 9 बजे मॉल रोड से आईलैट्स का कोर्स कर जाती है तो 5 बजे अपने दादा जी पैरा सिंह नाल ही एक्टिवा से वापस आती है। कल जदों वह करीब 5 बजे एक्टिवा तो वापस एक्टिवा से वापस अपने घर आ रही थी तो रतन सिंह चौंक क्रॉस करके ट्रेलियन के नज़दीक उसनों 3 नौजवानों वालों मोटरसाइकिल अगे करके रोकया गया जिस विच पहला नौजवान सुखबीर सिंह, दूसरा विक्की ते तीसरा अणपछाता नौजवान सी। इन्हां नौजवानों वालों रोक के उसके दातर नाल वार किए गए। जदों दातर नाल वार करके दोषी मौके तो भज गए। इस तों बाद जसप्रीत कौर ते दादा जदों घर के नज़दीक पहुंचे तो घर के कोल जाके भी इन्हां ने जसप्रीत कौर ते जदों उसकी जो सिस्टर सीगी उह खुशबू उर्फ मनप्रीत कौर उसका बचाव करना है तो उसके वार किए। जिस तो बाद असी तुरंत कार्रवाई करते हुए सुखबीर सिंह के खिलाफ तो नाल इसके जो रोह 3 साथी सके उन्होंने उपर 342 323 324 506 एंड 34 IPC तहत उस तो बाद वादा जरूर 354 करके एक परचा रजिस्टर किया। तफ्तीश के सामने ये गल आई लड़की ने सानू दसिया कि उसका सुखबीर सिंह नाल करीब 5 साल तो रिलेशन सी ते हुण उसने उस साफ तौर पर मनाही की थी कि उसने ये रिलेशन कॉन्टीन्यू नहीं रखना चाहती जिसके बावजूद सुखबीर सिंह उसनू मैरिज लई मजबूर करता सी। तलवाड़ा के कमल किड्स स्कूल डैम रोड पर देर रात भीषण हादसा घटित हो गया। इस दौरान मुकेरिया की तरफ से आ रही एक तेज रफ्तार मारुति कार ने सड़क किनारे खड़े दो वाहनों को टक्कर मार दी। मिली जानकारी के मुताबिक कुछ लोग सड़क किनारे खड़े होकर बातचीत कर रहे थे। इस दौरान मुकेरिया की तरफ से आ रही मारुति कार ने उन्हें टक्कर मार दी जिस कारण एक्टिवा सवार व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया और मोटरसाइकिल सवार व्यक्ति को भी चोटें लगी हैं। घटनास्थल पर मौजूद लोगों द्वारा जख्मी नौजवानों को नजदीकी सरकारी अस्पताल में पहुंचाया गया है। इस संबंध में जानकारी देते हुए BBMB अस्पताल तलवाड़ा के डॉक्टर राजकुमार ने बताया कि एक नौजवान को नंगल रेफर किया गया है जबकि दूसरे नौजवान को मुकेरिया रेफर किया गया है। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने घटना की जांच शुरू कर दी है। तलवाड़ा से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। जी असि दोनों आदमी जो है ना इधर घूम के दोनों पास दोनों एक तरफ होकर बात कर रहे थे साथ में। अच्छा पीछे से गड्डी आई है, गड्डी आके एकदम पीछे से ऐसे मारी है कि वो इस पास से गिरा और मैं दूसरे पास से गिरा। मेरे मोटरसाइकिल कैसे थे, मेरी बस छत लगी है थोड़ी, यहाँ भी लगी है पीछे भी लगी है। मैं था बाइक पे था, ये एक्टिवा पे था। कितने लड़के थे एक्टिवा में? एक बंदे था, ये एक मेहमान था जी। दोनों आदमी गाड़ी पीछे से आई है। किस तरफ से आ रही थी? इधर से मुकेरिया तरफ से। हाँ, और हम लोग इधर खड़े थे बस अड्डे की तरफ दौलतपुर की तरफ। कितनी स्पीड में थी वो नहीं मुझे पता, कितनी स्पीड में थी मैंने देखा नहीं। मैं दोनों आदमी ऐसे बात कर रहे थे, हम रोड पीछे से एकदम से लगी है। नहीं नहीं साइड में खड़े थे एकदम इधर कच्ची सड़क पे। नहीं वो भी हॉस्पिटल गया है, देखो जी क्या होता है उसको। कितने चोट आई उसको? ठीक है चोट तो उसको लगी है, यहाँ पे बेहोश हो गया था। हॉस्पिटल जाकर उसको होश आया कि नहीं आया वो तो पता नहीं मुझे। ठीक है यहाँ पे से लड़के थे, अब मैं उतना सबका नाम नहीं जानता हूँ, यहीं पे लोग गए उनको हेल्प करने। साढ़े को 8:20 एक रोड साइड एक्सीडेंट के 3 पेशेंट आए, उन्होंने नाम है लखविंदर सिंह फ्रॉम सांडपुर विलेज, गुरप्रीत सिंह गुरदासपुर तो है, ये पैसको इंप्लाई हैगा नंगल का BBMP नंगल, तो संजय कुमार नगर नगर तलवाड़ा। इन्होंने लखविंदर गुरप्रीत असी रैफर कर दिता है, थोड़ी इंजरीज
स्पैशलिस्ट दे देखने वाली सगियाँ तो गुरप्रीत और लखविंदर दोनों संजय कुमार बिल्कुल ठीक है माइनर इंजरी है तो गुरप्रीत नूं असी नंगल रैफर किया है तो लखविंदर नूं हायर सेंटर मुकेरियां। अचनाला के गांव जग्गीवाल बस्ती में नाबालिग लड़की की गोली मारकर हत्या करने वाले सिरफिरे आशिक ने खुद को गोली मार ली, जिसे सिविल अस्पताल अचनाला में भर्ती करवाया गया है। इस दौरान घायल आरोपी दलबीर सिंह ने बताया कि वह बलजिंदर कौर से प्यार करता था और युवती के परिजन शादी के लिए नहीं मान रहे थे, इसी के चलते उसने नाबालिग लड़की की हत्या कर खुद को भी गोली मार ली। उसने बताया कि वारदात में इस्तेमाल किया गया देसी पिस्तौल उसने 10,000 रुपयों में खरीदा था। वहीं इस मौके पर थाना अचनाला के प्रभारी मुख्तियार सिंह ने बताया कि देर शाम गांव अदलीवल से पंचायत का फोन आया कि गांव के स्कूल में खून से लथपथ एक युवक पड़ा हुआ है। जब वे मौके पर पहुंचे तो पता चला कि ये वही युवक है जिसने नाबालिग की गोली मारकर हत्या की थी और खुद के पेट में गोली मारी है। उन्होंने कहा कि दोनों वारदातों में इस्तेमाल देसी पिस्तौल बरामद कर लिया गया है। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। कल ये लड़के ने वीर सिंह दीनेवाल का लड़का इन्हें लड़की ने गोली मारी है, वो लड़की एक्सपायर हो गई एफ आई आर दर्ज के खिलाफ होर दो बंद खिलाफ। तो अज सू सूचना मिली है भी पिंड अलीवाल कोटली इतने स्कूल के पिंड की पंचायत वालों सू बहुत बार दसाया गया भी ये लड़का जोड़ा है डंडी भाई है उन्होंने भी इन्हें अपने आपू कोई ब्लड वग रहा तो स्कूल के अंदर ही ये प्या लंबा जो तो मौके पर जाके देखा तो ये लागे पिस्टल सगा जरा इन्हें बकूए के वरत्या तो बरामद हो चुका है और होश के इनू पुछी सारी गलबात तो सब तो पहला इनू इमीजिएट इनू लिया के सिविल होस्पिटल अजनाले एडमिट कराया गया। इन्हें अपने आपू शूट किया वा गोली मारी है पेट चों लग के पिछे गोली ये निकली है जी तो जिन्हें जिदे नाल इन्हें लड़की फायर जी फायर किया वैपन प्लस उस नाल ही इन्हें अपने आपू किया जी। ये देखो कल की गल क्लीयर सी लड़की ना पिछा करता से चाहता ही मैं शादी करनी बट वह परिवार लड़की की एज घट सी इस चीज़ में सहमत नहीं इस करके इन्हें जरा अपने आप में भी गोली मारी है। फिलहाल हाले स्टेबल स्थिति च है ठीक है हुण इहदे नाल डॉक्टर साहब इलाज कर रहे हैं तो एमरजेंसी सिविल होस्पिटल अजनाला एडमिट है। खुद हुण थोड़ा जिहा ठीक हुंदा तो मैं अगली स्टेटमेंट लैके इहदी पुछगिछ करके फिलहाल तो इलाज लई लैके। फिरोजपुर की तहसील जीरा में उस समय शोक की लहर फैल गई जब गांव वासियों को पता चला कि गांव ढंडिया की एक महिला की मनीला में गोलियां मारकर हत्या कर दी गई है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक जगनप्रीत कौर पत्नी मनजीत सिंह दोनों बच्चों सहित पिछले लगभग 14 वर्षों से फिलीपींस के शहर मनीला में अपना फाइनेंस का बिजनेस कर रहे थे। मनजीत सिंह अपने गाँव ढंडिया में बच्चों सहित भारत आया हुआ था और मनीला में रहकर उसकी पत्नी जगनप्रीत कौर फाइनेंस का बिजनेस संभाल रही थी और पता चला कि गत दिवस उसकी दुकान पर आकर मोटरसाइकिल सवार ने उसे गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। तो वहीं इस मौके पर परिवार व आसपास के लोग कुछ भी बोलने से इनकार कर रहे हैं। हलचल के लिए पंकज शर्मा की रिपोर्ट। गढ़शंकर के अधीन आते गांव सैला कला में उस समय मातम का माहौल छा गया जब एक कलयुगी बहू ने अपने ससुर को पीट पीट कर मौत के घाट उतार दिया। मिली जानकारी के अनुसार सोहन सिंह ने उसकी बहू सुखविंदर कौर को बच्चों के साथ की गई मारपीट पर रोका था, जिसके चलते गुस्साई बहू ने पीट पीट कर ससुर को मौत के घाट उतार दिया। पारिवारिक सदस्यों ने बताया कि उनका बेटा रविंदर सिंह विदेश में रहता है और उसकी पत्नी सुखविंदर कौर उनके साथ ही रहती है और पिछले लंबे समय से अपने सास और ससुर को तंग परेशान करती थी। उन्होंने बताया कि वे अपने बच्चे के साथ मारपीट कर रही थी तो उसकी सास ने उसे रोकना चाहा तो उसने उल्टा सास के साथ ही मारपीट शुरू कर दी। जब उसे बचाने के लिए ससुर सोहन सिंह आगे आया तो उसने उसे इतना ज़्यादा पीटा कि उसे अस्पताल ले जाना पड़ा जहाँ उसकी मौत हो गई। वहीं इस मामले में माहिलपुर पुलिस के एएसआई गुरनेक सिंह ने बताया कि पारिवारिक सदस्यों के बयानों के आधार पर बनती कार्रवाई की जाएगी। हलचल के लिए पंकज शर्मा की रिपोर्ट। गल काके पिछे छोटे पिछे बस उन्होंने जी असं कह दीजिए भी ना कुट इन्ने तो साढ़े ना बस कुट मार कर दी सी मैं उस वेले फड़ लिया तो बस हट सिट के थले वो तो बाहर थे मैं छड़ा आए उन्होंने भी थले सिट लिया सिट के एडा अड्डिया ना वो दिल के उपर मारियाँ ਸਿਆਣੇ ਆ
ਇਹਨਾਂ ਤੰਗ ਬਹੁਤ ਕਰਦੀ ਸੀਗੀ। ਨਿੱਕੀ ਨਿੱਕੀ ਗੱਲ 'ਤੇ ਝਗੜਾ ਕਰੀ ਜਾਣਾ, ਕੁੱਟਣ ਮਾਰਨ ਪੈਂਦੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਚੱਲ ਇਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਛ ਕਰੇ, ਸੱਟ ਸੁੱਟ ਨਾ ਲਾ ਦੇਵੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੱਕੂਗਾ ਕੌਣ, ਸਿਆਣੇ ਆ। ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਅਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਡੈਡੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੋਲਦੀ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਬੋਲਿਓ, ਮੈਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਡੈਡੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਬੋਲਿਓ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ, ਘਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਦੋਵੇਂ ਜਣੇ ਆ। ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਘੜੀਸ ਕੇ ਲੈ ਗਈ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੂੰ, ਮੇਰਾ ਡੈਡੀ ਬਾਹਰ ਬੈਠਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਛਡਾਉਣ ਆਇਆ, ਬਸ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਿਆ, ਢਾਹ ਕੇ ਇੰਨਾ ਕੁੱਟਿਆ ਉਹਨੂੰ, ਬਸ ਉਹ ਬੋਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੁੜ ਕੇ ਹੈ ਹੀ ਨਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦਾ 10 ਵਜੇ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ ਆਪਸ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਸੱਸ ਅਤੇ ਸਹੁਰੇ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕੁੱਟ ਕੁਟਾਪਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਨੂੰਹ ਨੇ ਉਹਦੀ ਸੱਸ ਦੇ ਪਤਾ ਵਾਲ ਪਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਅਜੇ ਉਹ ਕੁੱਟ ਰਹੀ ਸੀਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਉਹਦਾ ਸਹੁਰਾ ਛੁਡਾਉਣ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਉਹਦੇ ਘੜੇ ਲੱਤਾਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਕੈਟੀਵ ਦਿਆਲ, ਜਿੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਮਰਿਆ ਕੁਸ਼ਤ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦੀ ਲਾਸ਼ ਇੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਘਰ ਲਿਆਉਂਦੀ ਸੀਗੀ। ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨੀ ਟ੍ਰੇਨ ਦਿੱਤੀ, ਅਸੀਂ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਆਏ ਹਾਂ, लहरा गागा के स्टेडियम रोड पर भूतना खेतीबाड़ी स्टोर में भीषण आग लग गई। इस दौरान रोड पर जाते हुए लोगों ने आग की लपटों को उठते हुए देखा तो वे स्टोर का ताला तोड़कर आग बुझाने में जुट गए। वहीं इस आगजनी के कारण लाखों की खेतीबाड़ी दवाइयां जलकर राख हो गई। वहीं लोगों का कहना है कि फायर ब्रिगेड को फोन कर सूचित कर दिया गया था, पर आग बुझ जाने के बाद फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची। इस मौके पर स्टोर मालिक गुरदीप सिंह ने बताया कि उन्हें फोन आया था कि उनके स्टोर में आग लगी हुई है, और जब उन्होंने मौके पर जाकर देखा तो आग की लपटें निकल रही थी। उन्होंने बताया कि स्टोर में खेतीबाड़ी से संबंधित लाखों रुपयों की दवाइयां मौजूद थी, फिर भी लोगों की मदद से बहुत बड़ा नुकसान होने से बच गया है, लेकिन इस आगजनी के कारण उनका लाखों रुपयों का नुकसान हो गया है। संगरूर से हलचल के लिए जसवीर मान की रिपोर्ट। भाई जी, अपना स्टेडियम भूतना एग्रीकल्चर जो अपना दवाइया वगैरह या होर खल वगैरह फीड होंगी दुकान अग लगी सी, तो असं जो सानू पता लग्या सी नाल दी नाल साढ़े दो मैंबर साढ़े गुरजीत जी ते सतनाम जी साढ़े उरे खड़े सी, तो सानू एक तो सानू जो पता लग्या सी उरे आके देखिया तो उदो अग बहुत थोड़ी सी, जो असी शटर चक के अदू बाद जी अग देखी तो अग फैल चुकी थी, असी होर कित लाइव हो के असी सारे उरे इकट्ठ किया तो अग नू बुझाउण दी कोशिश की, और अग बुझाऊ जिहड़े अपने उरे सिस्टम हैगे आगे हाल तक भी नहीं वह पहुँचे, तो जदों तो असी फोन किया सीगा। मैं रोटी खा के सैर करन लई इस रोड ते अक्सर आना, तो अज भी उस तरह ही मैं आ रहा सीगा, तो मैं जाते हुए मैनू फोन आया, मैं ध्यान नहीं मारिया, पर आते हुए जदों दुकान के विचों स्टोर के विचों धुआं निकल रहा सीगा ਉਹ ਦੇਖਿਆ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫੋਨ ਲਾਇਆ, ਕਾਫੀ ਬੰਦੇ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੀ ਮਤਲਬ ਮੋਟਰ ਚਲਾਈ ਤਿਆਰੀ ਰੱਖੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸ਼ਟਰ ਖੁੱਲੂਗਾ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਣੀ ਮਾਰਾਂਗੇ, ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਅੱਗ ਘੱਟਦੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਹੀ ਮਾਲਕ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਟਰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ, ਅੱਗ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਫੈਲ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਮੋਟਰ ਚਲਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਜੀ। ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ ਭੂਤਨਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਟੋਰ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਲਗਭਗ 8 ਵਜੇ ਦੇ ਲਗਭਗ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦਾ, ਇੱਥੋਂ ਲੰਘੇ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅੱਗ ਚਮਕ ਰਹੀ ਤੇ ਗੇਟਾਂ ਵਿੱਚ ਬੁਝਾਉਣ ਤਾਂ ਵੀ ਮੋਟਰ ਦੀ ਉਰੇ ਪੈਂਪ ਲਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਬੁਝਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਅੱਗ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੱਲਦੀ ਉੱਥੇ। ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਵੀਰ ਜੀ ਏੜੀਆ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਕਾਫੀ ਹੋਇਆ ਨੁਕਸਾਨ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਮਾਲ ਨਾ ਜੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਜੀ ਹੁਣ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਮ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਤਾਏ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ 2-3 ਵਾਰੀ ਫੋਨ ਕਰਿਆ, ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੋ ਭੂਤਨੇ ਦਾ ਜਿਹਦੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ ਉਸਨੂੰ 2-3 ਵਾਰੀ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਫੋਨ ਚੱਕਿਆ, ਫਿਰ ਇਹ ਆ ਗਏ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਤਾ, ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਸਵੇਰੇ ਵਾਲੀ ਢੋਲੀ ਮੈਂ ਚੱਕਿਆ। ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਸਲਫਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੱਚ ਗਿਆ। अखिल भारतीय दुर्गा सेना संगठन की ओर से प्राचीन शिव मंदिर नजदीक दमोरिया पुल जालंधर में साप्ताहिक मां बंगलामुखी हवन यज्ञ का आयोजन किया गया, जिसमें अखिल भारतीय दुर्गा सेना संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री श्री 108 स्वामी सिकंदर जी महाराज, गुरु मां नीरज रत्न सिकंदर ने विशेष रूप से उपस्थित होकर विधिवत मंत्रोच्चारण कर आए हुए यजमानों से हवन यज्ञ में आहुतियाँ डाल यज्ञ को संपूर्ण करवाया।
इस मौके पर विशाल शर्मा, वैभव शर्मा, पंडित चक्र प्रसाद जोशी सहित असंख्य भक्तजन भी मौजूद रहे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन संदीप शर्मा की रिपोर्ट। विष्णु ने दस अति के अंग भंग किए अपने सुदर्शन के नाल उसके 51 सिद्ध पीठा बनिया से उन्होंने 51 सिद्ध पीठा जिते जिते मां सती के अंग जुड़े उतने उतने सिद्ध पीठा बनिया। उस सिद्ध पीठा के जी छिन्न मस्तिका सिद्ध पीठ है उस सिद्ध पीठ में अज कई लोग चितपुरी कहते हैं, लेकिन असली जरा प्रमाणित जरा नाम है वो छिन्न मस्तिका। तो तुम मैं होर गल दस दवा कि मां छिन्न मस्तिका का असली स्थान जरा चितपुरी में होता है। इतने जाके स्थापित किए गए जिदा कि मां बगला मुखी दस रही जरा स्थान है श्रीलंका के कोलंबा कोलंबो के ठीक है। उसके बाद अज तो कोई 400-500 साल पहले पत्तियों के मैं बगला मुखी का मंदिर जोड़ा सी उतों का राजा ने बनवाया से उतों अवशेष लैके उसको जोत लिया के बनवाया से। उस तो बाद हम कई जगह पर फिर उसके बाद बनखंडी बनखंडी तो पहला कोटला कला जोड़ा कि पठानकोट और धर्मशाला मार्ग उत्ते है कोटला कला पहला बनिया उस तो बनखंडी बनिया हूँ जगह जगह मैं बगला मुखी का प्रचार हो रहा। और अब अंत में हलचल की गतिविधियों पर एक नजर फिर से। लुटेरों को काबू करने गई थाना कच्चा पक्का की पुलिस पर लुटेरों ने चलाई गोलियां, जवाबी कार्रवाई में एक लुटेरा हुआ घायल। अमृतसर में एक लड़की और उसके दादा पर तीन युवकों ने तेजधार हथियारों से किया हमला, पुलिस ने मुख्य आरोपी को किया गिरफ्तार। तलवाड़ा के डैम रोड पर सड़क किनारे खड़े दो वाहन सवारों को तेज रफ्तार कार ने मारी टक्कर, दो नौजवान हुए गंभीर घायल। इसके साथ ही अब तक की गतिविधियां समाप्त होती हैं और ताजा जानकारी के लिए देखते रहिए हलचल।